इतना सब कुछ होने के बावजूद जब स्टूडेंट लोग वहां पे धरना दे रहे थे तो पुलिस उसे उठा करके जेल में डाल दे। हर्षदीप चौहान जो कि एक आई विटनेस है और वो बता रहे हैं कि एंड ही शाउटेड दैट हरी अप जल्दी करो और बैग आपका बैग लगाओ और पानी आ रहा बहुत तेज। ध्यान दिया उन लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया या फिर पानी का फ्लो इतनी तेज सर हो गया था कि हम लोग नहीं सोच पाए उस टाइम पे जो वहाँ पर बैक कॉर्नर में बैठे हुए थे। बिल्डिंग के स्टाफ ने देखा कि पानी ओवर फ्लो हो रहा है और बच्चे चिल्ला रहे हैं तो इसलिए करंट का फ्लो बढ़ ना जाए इसलिए उन्होंने लाइट को कट कर दी। इन सब चीज़ों के बावजूद पुलिस पहुंची और पुलिस को चाहिए एक बलि का बकरा। वहां से एक एसयूवी कार गुजर रही थी तो उन्होंने एसयूवी कार वाले को ही गिरफ्तारी में ले लिया। आउटसाइड द राउस आईएएस कोचिंग सेंटर परपेटेटली शॉट ऑन जुलाई 27th। पानी इतना भर गया था कि एनडीआरएफ टीम और फायर टीम को भी बुलाना पड़ा। ये बात ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली की है जहाँ अल्वा एडिसन के द्वारा बनाए हुआ बल्ब के नीचे उड़ते हुए पन्नों के बीच इतिहास में दबी हुई है। और ये बात यूपीएससी स्टूडेंट के 27 जून को अप्रॉक्स 6:40 पे राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया था तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस पहुंची 9 बजे, तब तक में बहुत देर हो चुकी थी और 3 स्टूडेंट की मौत भी। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट ड्यू टू व्हिच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें सबसे पहला है नवीन डेलविन जो कि जेएनयू में पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट थे और ये 29 ईयर का था। दूसरा है तानिया सोनी जो कि डीयू से ग्रेजुएट थी और ये 21 ईयर की थी। तीसरा है श्रेया यादव जो कि यूपी से अपने गांव में सबसे पहली स्टूडेंट थी जो दिल्ली आकर के यूपीएससी की तैयारी करने वाली थी। हर्षदीप चौहान जो कि वो आई विटनेस है और वो बता रहे हैं कि ओनली 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। कोचिंग के स्टाफ ने देखा कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है और बच्चे भी चिल्ला रहे हैं तो उन्होंने लाइट कट कर दी ताकि ये सोचा कि अगर लाइट कट कर दूँ तो फिर करंट का फ्लो आगे नहीं बढ़ पाए। इन सब चीज़ों के बावजूद पुलिस को चाहिए एक बलि का बकरा। और वहाँ पर कोचिंग के आगे से एक एसयूवी कार निकल रही थी तो वो कहते हैं कि कार के जाने से पानी का फ्लो बढ़ गया और पानी का फ्लो जो बढ़ गया तो वहाँ जाकर के कोचिंग के गेट से टकराया और गेट टूट गया जिसके कारण कोचिंग के बेसमेंट में पानी इतना तेज आया कि वहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट फुल हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी का फुटेज निकाल कर एसयूवी वाले को उठाया और उठा करके उसको जेल में डाल दिया और सारा ब्लेम उसी पर डाल दिया। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था पर इसका परमिशन नहीं मिला था। पानी इतना भर गया था बेसमेंट में कि एनडीआरएफ टीम और फायर टीम को बुलाना। इतना कुछ होने के बावजूद जब स्टूडेंट वहाँ पर धरना दे रहे थे तो पुलिस उसे उठा करके जेल में डाल देते हैं ताकि कोचिंग माफिया और वहाँ पर काम करने वाले सिस्टम के खिलाफ बच सकें। जब ऑपरेशन ख़त्म हो गया तो दिल्ली पुलिस ने FIR की। FIR दर्ज करने के बाद बहुत सारे खुलासे हुए जिसमें राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना परमिशन के बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे। उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला तो था लेकिन बेसमेंट में पार्किंग और स्टोर रूम के लिए मिला था न कि लाइब्रेरी चलाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने FIR में ये भी दर्ज किए हैं कि नीचे बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम नहीं थी इसलिए वहाँ पर पानी भर गया था। दिल्ली पुलिस ने अभिषेक गुप्ता जो कि ऑनर है राउस आईएएस इंस्टीट्यूट के और देशपाल सिंह जो कि कोऑर्डिनेटर है उस इंस्टीट्यूट के दोनों को अरेस्ट किए हैं और राजेंद्र नगर के 13 इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया बस इसी वजह से। इन सारी घटनाओं के बीच 5 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें एक है मनोज कथोरिया जो अपनी एसयूवी कार चला रही थी। इसको जेल जाने की क्या ज़रूरत, ऑन पेपर MCD जिम्मेदार है इस घटना का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। थैंक यू।